कौशाम्बी मजनपुर कोतवाली क्षेत्र के ओसा गांव निवासी रामशरण पाल पुत्र शंभूलाल पाल मध्य प्रदेश पुलिस में ड्यूटी में थे। इस समय वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में तैनात थे। लंबी बीमारी के बाद इलाज के दौरान बुधवार की शाम को उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गुरुवार को उनकी लाश एम्बुलेंस के जरिए उनके पैतृक गांव ओसा लाई गई है, जहां आज गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मृतक सिपाही के परिवार में उनकी मां पत्नी सहित तीन लड़कियां और दो लड़कों का भरा पूरा परिवार है। सिपाही ने अपनी दो लड़कियों की शादी कर दी है। बताया जाता है कि पिछले 3-4 महीनों से सिपाही गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, जिनका इलाज मध्य प्रदेश में ही चल रहा था। सिपाही की बीमारी के बाद परिवार के लोग भी मध्य प्रदेश में साथ रहकर उनका इलाज करवा रहे थे, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। गुरुवार को एम्बुलेंस द्वारा जैसे ही ओसा गांव उनके शव को लाया गया तो अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर लोगों का तांता लग गया। स्टार 70 न्यूज की कवरेज, कमलेश सिंह की रिपोर्ट।